जोजो किड्स। लालची लक्कड़हारा। घनश्याम नाम का लक्कड़हारा बहुत लालची था। वह मेहनती तो था, लेकिन अपने लालच के कारण हमेशा उसे पछताना पड़ता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसने देखा कि एक पेड़ जो बहुत बड़ा है, उस पर बहुत सी मधुमक्खियों का छत्ता है। हे भगवान, क्यों ना इतना शहद पहले निकाल लूं, फिर पेड़ काट लूंगा। मगर इतनी सारी मधुमक्खियां हैं, कहीं ये मुझे काट न ले। किसी शहद वाले को बुला लाता हूँ, हम पैसे आधे आधे कर लेंगे या शहद बांट लेंगे। घनश्याम शहद वाले को बुलाने दौड़ता हुआ उसके घर पहुँचा। उसने देखा कि वह अपनी पत्नी से बात कर रहा है। अरे सुनती हो, मेरा सामान लेकर आओ, अभी ये मिट्टी का तेल लगाकर सारी मक्खियाँ भगा दूंगा। बस ये तेल ही तो लगाना होता है, और यही तेल किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है। घनश्याम ने सोचा, अच्छा तो बस यही करना है, तब तो यह काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। इसे साथ लिया तो कुछ शहद इसे भी देना होगा। घनश्याम ने मौका पाते ही शहद वाले की लाठी, जिस पर तेल लगा हुआ था, चुरा ली और भागता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। अब इस तेल की बदबू से सारी मक्खियां भाग जाएंगी, अभी इसे आग लगाता हूँ। जैसे ही उसने मधुमक्खियों को भगाने के लिए आग जलाई, मक्खियां घनश्याम पर टूट पड़ी और घनश्याम के हाथ से जलती हुई लाठी गिरकर उसकी काटी हुई दिन भर की लकड़ियों के गट्ठर पर पड़ी, और उसकी दिन भर की काटी हुई लकड़ियां जलकर राख हो गईं। बेचारा घनश्याम अपने लालच के कारण लकड़ियों से भी हाथ धो बैठा और पूरा शरीर सुजा लिया। हे भगवान, ये क्या किया मैंने, लालच के चक्कर में अपनी लकड़ियां भी खो बैठा, और देखो शरीर कैसा फूल कर सूज गया है। रघु नाम का एक लड़का बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर नदी के किनारे बांसुरी बजाता। रघु बहुत गरीब था। वह गांव जाकर लकड़ी की बनी हुई बांसुरियां बेचकर अपना गुजारा किया करता। माँ, ये लो कुछ पैसे, आज बस इतनी ही कमाई हुई है, मैं कल और कोशिश करूँगा, रघु की माँ ने कहा। बेटा, इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाती हूँ। बेटा रघु, ये बांसुरी बजाना छोड़कर कोई अच्छा काम ढूंढो, इतने कम पैसों में घर चलाना अब बहुत ही मुश्किल है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। रघु को बहुत चिंता होने लगी। वह बांसुरी बजाने के अलावा कोई और काम जानता भी तो नहीं था। एक दिन अचानक जब रघु नदी किनारे बांसुरी बजा रहा था, तब उसकी नजर एक मछुआरे पर गई, जिसने एक बड़ी विशाल मछली को ने जाल में फंसा रखा था। अरे वाह, आज तो इतनी बड़ी मछली हाथ लगी है, बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे इसे बेचने पर, रघु ने मछुआरे से कहा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं इस नदी का पानी बहुत जहरीला है, यहाँ की मछलियाँ खाकर लोग मर जाते हैं, और कहीं तुमने इसे छू लिया तो तुम्हारा पूरा शरीर काला भी पड़ सकता है। मछुआरा डर गया और रघु के झूठ को सच समझकर मछलियों को वहीं छोड़ भाग गया। रघु ने मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली ने रघु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो ये जादुई बांसुरी है, इस बांसुरी को बजाते ही तुम्हारी सारी बांसुरियां तुरंत ही बिक जाया करेंगी, लोग तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुने बिना नहीं रह पाएंगे। रघु ने मछली का धन्यवाद किया और उस जादुई बांसुरी को लेकर गांव गांव में घूमने लगा। उस दिन से रघु की सारी बांसुरियां बिकने लगी। अब अक्सर यही होने लगा, और धीरे धीरे रघु की सारी गरीबी दूर हो गई। चांदी के अंडे।
एक दिन रामू बाजार से एक मुर्गी खरीदने गया, पर उसके पास पैसे थोड़े कम थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या आप इन पैसों में मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? अरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, इन पैसों में यह मुर्गी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो, मेरे पास एक लंगड़ी मुर्गी है, उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो इन पैसों में। राम मान गया और अपने साथ लंगड़ी मुर्गी को ले आया। रामू उसे बहुत प्यार से पालता था, अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन मुर्गी ने चांदी का अंडा दिया। रामू अंडे को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे ये अंडा तो चांदी का है, एक मुर्गी चांदी का अंडा कैसे दे सकती है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन फिर से मुर्गी ने एक और चांदी का अंडा दिया। इस बार रामू को लगा, लगता है ये जादुई मुर्गी है, पर सबसे पहले मुझे इस अंडे को बेचकर इसका पैर ठीक कराना चाहिए। रामू ने चांदी का एक अंडा बेच दिया और मुर्गी का इलाज करवाया। बहुत जल्द मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी रामू से बहुत खुश थी। उसने रामू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा इलाज करवा दिया, अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगे? हाँ हाँ बोलो। मुझे खुद से दूर मत करना, मैं हर रोज तुम्हें चांदी का अंडा दूंगी। नहीं नहीं, ये अंडा मेरे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। ये चांदी का अंडा मुझे लालची बना देगा, मुझे तो छोटे छोटे चूजे बहुत पसंद हैं, और तुम्हारे अंडे भी, मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मुर्गी ने कहा, ठीक है रामू, जैसा तुम कहो, मैं दोबारा अपनी जादुई शक्ति की सहायता नहीं लूंगी और हमेशा तुम्हें अच्छे अच्छे अंडे दूंगी। इस तरह जादुई मुर्गी ने अपना सारा जादू त्याग दिया और रामू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लालची घी वाला। शंभू नाम का एक घी वाला था। उसके पास दो हट्टी कट्टी गायें थीं, जिसके दूध से वह घी बना के बेचा करता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान से घी लेने आते थे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए और घी कम होता गया। अरे भाई, जरा 2 किलो घी देना। माफ करना भाई, लेकिन सारा घी खत्म हो चुका है, आप कल आना। नहीं नहीं, मुझे घी आज ही चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे 1 किलो घी तो है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वनस्पति घी डाल दूं, तो 2 किलो हो जाएगा। लालच में आकर घी वाले ने अपने ग्राहक को घी दे दिया। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और खुशबूदार घी है, धन्यवाद, ये लो आपके पैसे। अरे वाह, मूर्ख को पता भी नहीं चला और मिलावटी घी भी बिक गया। ये ठीक है, क्यों ना मैं अब रोज ऐसा ही करूं। अब वह हर रोज मिलावट वाला घी बेचने लगा और धीरे धीरे उसने 2 और गाय भी ले ली। एक दिन घी वाले का बेटा बहुत बीमार हो गया। पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घी वाला तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। उसने वहां बहुत से मरीजों को देखा जो पेट के दर्द से बीमार थे। सभी लोग उसके ग्राहक थे। कहीं ये सब मेरे घी से तो बीमार नहीं हुए? बेटा तुम बताओ, तुमने कल क्या खाया? पिताजी कुछ नहीं, बस माँ ने जो देसी घी में हलवा बनाया था वही खाया था, माँ ने कहा था ये शुद्ध घी से बना है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया, पैसों के लालच में इतने लोगों को परेशानी में डाल दिया। डॉक्टर ने जब घी वाले के बेटे को दवा दी तो कहा, देखो इसे घी से दूर रखो, आज तो ये ठीक हो गया, मगर आगे कभी ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल होगी, समझ गए? समझ गया डॉक्टर साहब। घी वाला अपनी गलती मान चुका था। ये लो बेटा, ये लो शुद्ध घी, इसे खाओ। और हाँ,
तुम इससे हलवा बनाओ। पिताजी, मुझे तो घी मना है। नहीं नहीं, नकली घी मना है बेटा, शुद्ध नहीं। आज के बाद मैं कभी मिलावट नहीं करूँगा। असली माँ कौन? जंगल में एक दिन हाथी की माँ अपने बच्चे के साथ नदी में नहा रही थी। तभी वहाँ एक और हथरी आई और बच्चे के साथ खेलने लगी और जाते हुए अपने साथ ले जाने लगी। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, जहाँ चाहूँ उसे ले जा सकती हूँ। ये मेरा बेटा है, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। दोनों झगड़ा करने लग गई। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सही कौन कह रहा है और असली माँ कौन है। अब असली माँ कौन है, इसका फैसला तो राजा जी ही करेंगे। सभी राजा शेर के पास पहुँचते हैं और सारी बात शेर को बताते हैं। कुछ देर शेर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मेरे पास एक खास विद्या है जिससे मैं यह पता लगा सकता हूँ कि असली माँ कौन है, लेकिन उसके लिए मुझे इस बच्चे के एक पैर को खाना होगा। राजा की शर्त सुनते ही सभी शांत हो गए, लेकिन नकली माँ ने तुरंत ये शर्त मान ली। मैं तैयार हूँ, आप चाहें तो बच्चे का पैर खा सकते हैं। मगर असली माँ जोर जोर से रोने लगी और सोचने लगी, नहीं नहीं नहीं, अगर शेर ने मेरे बेटे का पैर खा लिया तो वह कभी चल नहीं पाएगा। ये बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। असली माँ ने राजा से कहा, महाराज, मैं ही नकली माँ हूँ, ये असली माँ है। बस आप इस बच्चे का पैर मत खाइए, आप वादा कीजिए इस पैर को नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे को, मतलब इसके बच्चे को नहीं खाएंगे। यह मेरा बेटा नहीं है, आप इसका पैर मत खाइए, जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। राजा शेर तुरंत समझ गया कि यही असली माँ है जिसे अपने बच्चे की चिंता है। राजा ने नकली माँ पर गुर्राया और वह डर के मारे बच्चे को वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई और असली माँ को राजा शेर ने उसका बच्चा सौंप दिया और कहा, तुम ही असली माँ हो, माँ कभी अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं तो तभी समझ गया था, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम इस बच्चे की असली माँ हो। प्लीज सब्सक्राइब।